हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल वासुदेव ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ हम चारों एकदम अच्छे हैं, फिट एंड फाइन है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठ चुके हैं, नाश्ता वाश्ता हो गया है और अभी फिलहाल बैठे हुए हैं। बच्चे भी उठ गए हैं, सबने खा पी लिया है। अभी बज रहे हैं 11 और रात का जो कल का व्लॉग था वो रात को ही ख़त्म कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं और फिर बस फिर मन नहीं किया। कभी कभार फिर मन नहीं करता ना कुछ भी शूट वूट करने का, तो कुछ शूट नहीं किया था और बस वो व्लॉग वहीं पर ही ख़त्म कर दिया था। करने देखा हो तो वो व्लॉग लाइव हो गया, यहीं कहीं यहीं बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके देख लीजिएगा। और आज है मेरे बर्थडे का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह हो चुकी है और चलिए अब इस व्लॉग को शुरू करते हैं। और हमेशा ही मैं अपने बर्थडे वाले दिन दो नफिल शुक्राने के पढ़ती हूँ फजर में उठकर, लेकिन रात को रो रो कर सोई थी ना तो सर और बहुत ज़्यादा भारी हो गया था और फिर फीवर भी हो रहा था, तो दो गोली खाई थी तो नींद ऐसी आई कि फजर में आँख नहीं खुली। लेकिन अब कोई बात नहीं, अगर फजर में आँख नहीं खुली तो जोहर में, असर में, मगरिब में कभी भी पढ़ सकते हैं। मैं तो ज़रूर पढ़ती हूँ, तो अभी जल्दी से नमाज़ पढ़ेंगे, नफिल पढ़ेंगे शुक्राने के, घर वर समेटेंगे और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। तो गाइज, मायरा और मायशा दोनों रेडी हो गई हैं और इस वक्त बज रहे हैं 3। हमारे सारे काम वाम सब निमट गए हैं और अब हम रेडी हैं जाने के लिए बाहर। तो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जी, मैं रेडी हो गया हूँ। मैंने आज पहना है ब्लैक और नई जीन्स पहनी है एक, और ये ना मायशा कह रही थी इसको देख के पापा फदिया। तो हम रेडी हैं, मैडम भी रेडी है, बच्चे भी रेडी है, अभी बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो अभी आगे बता देंगे आपको। और बर्थडे गर्ल से मिलवाता हूँ, पीछे खड़ी हुई है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसी लग रही हूँ मैं? रेडी हो गई हूँ और ये वही ड्रेस है जो मिंत्रा से मंगाई है, बहुत ही प्यारी है। पहली बार मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया और अच्छा लग रहा है मुझे तो। आप बताइएगा कैसा लगा? तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? बस मैंने कैसी लग रही है मम्मा? अच्छी। माओ कैसी लग रही है? अच्छी। चले निकले? नहीं नहीं, क्यों? रील शॉट्स। अबे भाई, तैयार होके ये रील वील के शॉट वॉट नहीं लिए जाते मुझसे। जल्दी लो, चलो फिर फटाफट। तो गाइस, ये गिफ्ट आ गया जो मेरी तरफ से था, अब मम्मा आएंगी तो उनको देंगे। क्या है भाई? थैंक यू। मेरी गाइस, मेरे पास ना क्लच है और बहुत पुराना, लेकिन अभी हम बाहर गए थे ना तो वो हट गया है, साइडों से निकल गया है। तो मैं ऐसे इशारों में कह रही खराब हो गया मेरा पर्स, तो शायद माहू या माहू के पापा समझ गए कि मैंने मायरा से कहा था, मायरा एक काम करते हैं, मैं इशारा दे रही हूँ कि मुझे नया क्लच चाहिए। लावी का क्लच है, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू, मेरे को चाहिए था। ओ जी गाइज, हम लोग रेडी हो गए, निकल रहे हैं, तो सब आपको बता ही दिया था। गाइज, हम जो अभी कल के व्लॉग में बता रहे थे कि हमने कुछ सोचा है, हम सोच रहे थे कि वैसे भी सदका करना चाहिए, अल्लाह वास्ते का खाना खिलाना चाहिए। वैसे ज़्यादातर हम क्या करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, हर बार किसी का भी बर्थडे होता है बच्चों का तो मदरसे में खाना भेज देते हैं और या बच्चों के लिए भेज देते हैं। इस बार हम सोच रहे थे कि राजमा चावल बनाकर बांटें, लेकिन फिर गर्मी भी इतनी हो रही है और फिर वासिफ ने कहा कि तुम्हारा बर्थडे है फिर तुम पूरा दिन लगी रहोगी, तो बाहर से लेकर बांटेंगे। फिर हमने सोचा ठीक है, लेकिन कल जो वासिफ का फ़ोन में जो गड़बड़ी हुई, जो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, इस वजह से पूरा दिन उनका वहीं उसी चीज़ में ही लग गया, तो कल कुछ डिसाइड हो नहीं पाया और हम ना ऑर्डर दे पाए, क्योंकि कितना भी ऑर्डर हो पहले से बताना पड़ता है, एक दिन पहले कहना पड़ता है कि भाई हमें इतने पार्सल चाहिए ऑर्डर देने हैं या जो भी है, तो वो हो नहीं पाया। तो अब हमने सोचा है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं CP, और CP में एक बहुत ही अच्छा सा नए तरीके का आउटलेट मैकडी खुला है, नए तरीके से उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, तो हमने कहा हम वो एक्सप्लोर कर लेंगे। बच्चों को मैकडी बहुत पसंद है तो बच्चों को हैप्पी मील खिला देंगे, और वहाँ पर जो आसपास काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखे हैं वहाँ होते हैं जो नीडेड हैं, तो हम उनको वहीं से ही लेकर खिला देंगे, ऐसा कर लेंगे। और बस अब हम निकल रहे हैं, हमारा ऑटो आ रहा है। क्या फेंका? तो गाइस देखो, एक चीज दिखाता हूँ, आज मेरे बैग में देखो क्या है।
आपके बर्थडे के लिए ही भेजूंगी, बट वो रिसी अभी तक आया नहीं है, तो मैं इसमें अपना थोड़ा सा सामान रख रही हूँ, और कोई लूंगी तो ये आउटफिट के साथ बुरा लगेगा, तो इनके बैग में आज चलन दो चलन दो आराम से चलो। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे, चलिए चलते हैं पहले अंदर। हम आए हैं नया वाला मैकडी एक्सप्लोर करने, ये सीपी में खुला है, इसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, इसमें मैकडी के साथ साथ मैक कैफे भी, और अंदर घुसते ही हमें मैकडी की एक एम्प्लॉय मिली जो हमारी सब्सक्राइबर थी, काफी भीड़ थी यहाँ पर, थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली उन्होंने हमें सीट दिलवा दी, जान पहचान का थोड़ा सा फायदा हो गया और फिर हम बैठ गए। थैंक यू सो मच। हाथ पीछे, हाथ टच नहीं करना कुछ भी। तो जी गाइस अपना ऑर्डर आ गया, और यहाँ पे ना इस वाले मैकडी में ना ड्रिंक्स की वैरायटी बहुत अच्छी है, जो हमने गोवा में मेन्यू चेक किया था ना, वही वाला मेन्यू यहाँ पर है, तो सारा साउथ वाला पूरा मैकडी का मेन्यू मैक कैफे यहाँ भी है, और ड्रिंक्स में भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये सोफी की है, वो मेरी है, और ये वाली है हमारे माहू की वाटरमेलन है। तो जी गाइस खाना पीना हो गया और मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, और हम बाहर आ गए हैं, और ये देखो ये मैकडी पे बैठे हैं एम पे, तो कितना बड़ा प्राइस लगा हुआ है। अच्छा था ये वाला मैकडॉनल्ड, एम्बियंस भी अच्छा है, और वो चीज़ भी है कि बहुत सारा मेन्यू भी बहुत सारा है। ये लो जी, तो गाइस खाना पीना हमारा हो गया है, और अब हम सोच रहे हैं कि कुछ मैगी से बर्गर पैक करा लेते हैं, और जो भी दिखेगा रास्ते में उन्हें देते जाएंगे। तो जी गाइस बर्गर हमारे हो गए हैं पैक, और अब हम चल रहे हैं, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, बस ये बटने से पहले ना हो ज़्यादा तेज़, बर्गर बट जाएँ उसके बाद हो जाए चाहे कितनी तेज़ होनी होगी। और गाइस ऊपर देखो बादल कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं, और नीचे देखो फाउंटेन कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइस बर्गर्स बांटने की शुरुआत करी हमने इन बाबा से, और जैसे ही हमने इनको दिया, और फिर मेरी नज़र पड़ी सेंट्रल पार्क के बीचों बीच लगे इंडियन फ्लैग पे, क्या ज़बरदस्त लग रहा था झंडा लहराता हुआ। तो गाइस काफ़ी सारे बर्गर्स तो हमने बांट दिए हैं, अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तो हम ऐसे चलते चलते ही कर रहे हैं, हम कहीं रुक नहीं रहे हैं, तो जो भी हमें बच्चे वगैरह दिख रहे हैं तो उनको हम दे रहे हैं, अभी पीछे कुछ बच्चे बैठे हुए थे तो उनको हमने दे दिए थे, और अब थोड़े बहुत और बचे हैं वो देखे, फिर हम देखते हैं क्या करेंगे आज। गाइस माहिरा देने जा रही है ने। वेरी गुड, चलो। ऐसे नहीं हल्के से ये सब काट। तो गाइस अब हम जा रहे हैं फायर पान खाने, सीपी आए हैं, चलो सोचा फायर पान खा ले गुप्ता जी का खाना है ना, भारी हो रहा है क्यों?
पता नहीं मन है खाने का लेकिन भारी भारी था। अबे यार गाइस काम हो चुका है हमारा, बर्गर्स वगैरह सब बढ़ गए हैं, सारे बच्चों को हमने दे दिए हैं, बच्चों ने बहुत शौक से खाए, मैंने शॉट ले लिया था एक छोटा सा। और अभी अर्जेंटली हमें घर के लिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि जूफिशा के लिए कुछ सरप्राइज़ आया है, और वो कहाँ से आया है वो सब आपको घर चल के बताते हैं, फिलहाल वो वेट कर रहे हैं और हम चलते हैं घर। अंकल जी पानी पिला दीजिए। A few moments later. तो जी गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं, अर्जेंटली हमें घर को निकलना पड़ा क्योंकि बैक टू बैक कोई अर्जेंट कॉल्स आनी शुरू हो गई थी, कोई वेट कर रहा था घर पे, तो वो घर पे कोई भी नहीं था, तो उस चक्कर में हमें एकदम फटाफट निकलना पड़ा। फटाफट हमने ऑटो पकड़ा और हम निकले हैं। खैर अभी बताते हैं बाकी, मैडम के लिए सरप्राइज आए हैं दो दो। गाइज हम अब आ गए घर पे, राम राम कर लिया और मैं वेट कर रही थी मायशा के उठने का। आपको बताया था ना कि हम जल्दी जल्दी निकले थे क्योंकि मेरी डाइटिशियन है आयशा हनीफ, और वो उन्होंने मुझे केक डोनट्स इतना सारा भेजा है, कह रही है आज तुम्हारा चीट डे है, जी भर के खाओ फिर उसके बाद डाइट करना। तो बस आयशा हनीफ से मैं कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी चीजें मुझे भेजने के लिए, इतना स्वीट सा सरप्राइज देने के लिए, बहुत 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 थैंक यू सो मच। चलिए ऐसे कट करते हैं, मैं मायशा के उठने का वेट कर रही थी, उठ गई है मायशा। मायशा खाएंगी डोनट लेकिन पहले केक कट कर लेते हैं। मैनू काटू Happy birthday to me. Happy birthday. कल केक कटा था, पापा लाए थे वो जो केक था। हमने ऐसा किया था, मैंने मायरा को बताया था कि मैंने जो मायरा की तरफ से जो गिफ्ट था वो मायरा ने दे दिया, मैंने जो था वो मैंने दे दिया, और मायनू की तरफ से केक था जो हमने कल काटा था, फ्रूट केक वो मायनू की तरफ से था। चॉकलेट केक टेस्टी। हैप्पी गाइस, काफी देर हो गई है और दस्तखान लग गया है, मायशू बैठ गई हैं, और अभी हमने शाम के रात के डिनर के लिए भी बाहर से ही खाना मंगाया है आज, क्योंकि अब आने के बाद तो पकाने की हिम्मत नहीं थी, तो चलो अब खा लेते। और हमने मंगाया है मलाई चिकन मलाई बोटी एंड बिरयानी, फुल मेन्यू यम्मी यम्मी वाला, सबकी पसंद का। चलिए जी गाइस बिस्मिल्लाह करते हैं और खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो जी गाइस हम लोगों का खाना वाना हो गया है और यहाँ मायशू मेरी गोदी में बैठी हुई हैं, पेड़ पर बैठी हुई हैं, और इनसे कुछ सवाल किए जा रहे थे अभी। तो मायशू आज कहाँ गए थे? मैकडी। ये क्या खाया था वहाँ पे? मैकडी। क्या खाया था मैकडी में? मैकडी। तो गाइस ये है नेक्स्ट डे, शाम हो गई है, बस रात को खाना वाना खा के सो गए, थक गए थे, और बच्चों को बर्गर्स बांटे और बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम हम खुद से बनाकर बांटेंगे। पहले भी हमने खुद से बनाकर ही बांटा था, बस इस बार खुद से बनाने का मौका लगा नहीं और कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ था, एकदम से हमने डिसाइड किया, हमने कहा चलो वहीं से लेंगे, वहीं से बांट देंगे, ये भी ठीक था, ये ऑप्शन भी अच्छा था, ये कर लिया हमने। और बाहर निकले तो थोड़ा सा दिल को रिलीफ मिला उस दिन से, जिस दिन से ये बात हुई है, फ़ोन खोने वाली बात हुई थी, जब से दिल इतना परेशान, बार बार वही दिमाग में चले जा रहा था, बार बार वही, लेकिन
वही है कि अब इंसान उसी चीज के पीछे लेके बैठा तो नहीं रह सकता, हर बहुत कुछ होता है लाइफ में लेकिन आगे बढ़ना पड़ता है। फिर हमने सोचा बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो अच्छा रहा, कल का दिन काफी अच्छा गुजरा। और गाइज इतने सारे ढेर सारे प्यार भरे विशेस भेजने के लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील करती हूँ कि इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, अपनी मोहब्बत के साथ प्यारे प्यारे विशेज मुझे भेजते हैं। तो थैंक यू सो मच हर एक उस बंदे का जिसने हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम के DM में, यूट्यूब पर, कहीं पर भी मुझे विश किया हो, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल। बस ये था हमारा बर्थडे का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलेंगे एक और मजेदार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय 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 बाय। ये लोग अभी पार्क से घूम के आ रहे हैं। अच्छा।